एक जंगल में बहुत गरीब टूनी नाम की एक चिड़िया टुनटुनी के साथ रहती थी। वो अपना और अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाती थी। उसका अपना रिक्शा था जिसमें वो गांव के जंगल से शहर के जंगल में सवारियां लाती और ले जाती थी। एक दिन देर शाम वो शहर के जंगल से गांव के जंगल लौट रही थी और उसके रिक्शा में कालू और टुन्नू बैठे हुए थे। ओए टुन्नू, ये रिक्शे वाली कितनी खूबसूरत है ना, चल इसे परेशान करते हैं। टुन्नू और कालू दोनों टूनी चिड़िया का रिक्शा रुकवा लेते हैं। अरे टूनी चिड़िया, कितनी खूबसूरत चिड़िया है तू, चल मेरे साथ मेरे घर चल। तुम दोनों को शर्म नहीं आती एक अकेली चिड़िया को देखकर उसे परेशान कर रहे हो? पर तुम मुझे यहाँ से जाने दो। ये कहकर वो रिक्शा चलाने की कोशिश करती है, मगर तभी दोनों जबरदस्ती उसे उठाकर जंगल ले जाते हैं। वहाँ वो टूनी चिड़िया को मार देते हैं और फिर वहाँ से भाग खड़े होते हैं। मगर टूनी चिड़िया की आत्मा बाहर आती है और बोलती है, भागो, कहाँ तक भागोगे? मुझे भूत या टूनी चिड़िया की आत्मा बनाकर बचकर बाहर निकलना चाहते हो? भाग टुन्नू, हमें माफ कर दे टूनी, हमसे भूल हो गई, हमें मत मारो। क्यों ना मारूं पापियों, तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा, तुम मेरे हथियारे हो। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन्हें मौत के घाट उतार देती है। फिर उन्हें मारने के बाद वो दोबारा से टूनी का रूप ले लेती है और अपने रिक्शे में सवार होकर जंगल की तरफ चली जाती है। घर पर टुनटुनी उसका इंतजार कर रही होती है। माँ तुम आ गई, आज तो बहुत देर कर दी माँ तुमने आने में। तुम्हें पता है माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या करूँ बेटी, आज देर हो गई थी, चल तेरे लिए भी खाना बना देती हूँ। वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जंगल के एक अमीर जिगरबाज उसके घर आता है। ए टूनी, इस घर को खाली करके निकल जा या फिर मेरा पूरा कर्जा अदा कर दे, समझी? जिगरबाज, आपका कौन सा कर्ज है हम पर? मरने से पहले मेरे पति ने आपका पूरा कर्जा चुका दिया था। पर ब्याज तो नहीं चुकाया था ना? आप मुझ गरीब पर दया कीजिए, मैं विधवा चिड़िया हूँ और मेरी बच्ची भी बीमार है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम जल्दी से मेरा पूरा पैसा चुका देना वरना घर से बाहर फेंकवा दूंगा। ये कहकर जिगरबाज अपने घर चला जाता है। रात में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसके घर जाती है। क्यों रे जिगरबाज, मुझ गरीब को घर से निकालेगा तू? टूनी, तुम भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हो? हाँ, मैं भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हूँ, पक्षियों का खून पीने वाली आत्मा हूँ। अब तक तू गरीबों का खून पीता आया है, पर आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा जिगरबाज का खून पीकर उसे मार देती है। लालची जिगरबाज, आज मैंने तेरा काम तमाम कर दिया, आज के बाद तू किसी गरीब को परेशान नहीं करेगा। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा फिर से टूनी चिड़िया का रूप ले लेती है और वहाँ से निकल जाती है। मगर जंगल के दो पक्षी बंटी और हरी तोता से रूप बदलते हुए देख लेते हैं। अरे टूनी तो भूतिया चिड़िया की आत्मा है, जिगरबाज को मारकर तो जंगल का भला ही किया है, निर्दयी सब गरीबों को परेशान करता था। लेकिन इस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का क्या भरोसा, कल को हमें और हमारे बच्चों को भी मारने लगे तो? उस दिन के बाद पूरे जंगल को पता चल जाता है कि टूनी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा है और पक्षियों का खून पीकर उन्हें मौत के घाट उतार देती है। सब बच्चे टुनटुनी चिड़िया से डरने लगते हैं। एक दिन लूसी कबूतरी टुनटुनी से कहती है, देख टुनटुनी, आज के बाद से हमारे साथ मत खेला कर, तेरी माँ भूतिया चिड़िया की आत्मा है, समझी? भाग जा तू यहाँ से। ये सुनकर टुनटुनी अपने घर जाकर अपनी माँ से पूछती है, माँ, माँ सब तुम्हें भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कहते हैं, क्या तुम आत्मा हो? नहीं बेटी, मैं कोई आत्मा नहीं हूँ, मैं तेरी गरीब माँ हूँ। इस तरह टूनी अपनी भोली भाली बेटी को अपने झूठ से तसल्ली दे देती है। लेकिन डर की वजह से कोई भी पक्षी उसके रिक्शा में बैठना पसंद नहीं करता था। अब तो इस जंगल में रहकर अपनी बेटी का पेट पालना भी मुश्किल होता जा रहा है, कोई भी मेरे रिक्शे में बैठना नहीं चाहता, हे भगवान कुछ करो। तभी जंगल का सरपंच कड़कनाथ सेठ वहाँ आता है। टूनी, जंगल के पक्षियों का मानना है तुम पक्षियों का खून पीकर उन्हें मार रही हो, तुम एक भूतिया चिड़िया की आत्मा हो। नहीं कड़कनाथ सेठ, जंगल के पक्षी झूठ बोल रहे हैं, मैं कोई आत्मा नहीं हूँ।
देखो टूनी, अब झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, हमें सबको सच बता दो, नहीं तो कोई और इलाज करना पड़ेगा। सरपंच की ये बात सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है और अपनी मौत का राज बताती है, जिसे सुनकर सब पक्षी बहुत दुखी होते हैं। टूनी, तुम्हारे साथ कालू और टुन्नू ने बहुत गलत किया, लेकिन तुमने उससे अपनी मौत का बदला ले लिया, लेकिन फिर भी तुम ये जंगल छोड़कर क्यों नहीं जा रही? सरपंच जी, मैं ये जंगल तो क्या ये दुनिया ही छोड़कर चली जाऊंगी, पर मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा, इसकी देखभाल कौन करेगा, ये फिक्र मुझे सताए जा रही है। टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारे इस दुख को बखूबी समझ रहा हूँ, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। आप अकेले नहीं हो सरपंच जी, टुनटुनी बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी हम भी निभाएंगे। आप सबकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई, अब मैं बेफिक्र होकर ये दुनिया छोड़ सकती हूँ। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अचानक से गायब हो जाती है और सब जंगल वाले टुनटुनी के अपने बच्चों की तरह देखभाल करने लगते हैं। ओहो, यहाँ तो सभी धर्राटे काट रही है। तभी भूतिया चिड़िया की नजर एक सुंदरी कौवी के नेकलेस पर पड़ती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है, देखो तो सही कितना खूबसूरत नेकलेस पहनकर खड़ी है ये कौवी, इसे तो मेरी गली में होना चाहिए था। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसके पास से गुजरती है और उसका नेकलेस चुरा लेती है। भूतिया चिड़िया की आत्मा यहाँ से वहाँ ट्रेन में घूमती रहती है, लेकिन उसे कोई भी देख नहीं पाता। तभी उसकी नजर ट्रेन में बैठे पैसेंजर पर पड़ती है, जिसके पास बहुत सारा सोना और पैसे होते हैं। लो भैया, वो अब तो रहा नहीं जाता, आज तो लॉटरी लग गई लॉटरी, इतना सारा सोना, बाप रे बाप, जिंदगी में मैंने इतना सारा सोना कभी नहीं देखा होगा, आज तो मैं सबको लूट कर ही रहूंगी। आईला, इन पक्षियों के पास कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें मेरे पास क्यों नहीं? इस दुनिया में सबसे अच्छी चीजें सिर्फ और सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए। तभी ट्रेन एक सुरंग के नीचे से गुजरती है, तभी अचानक से पूरी ट्रेन के अंदर अंधेरा हो जाता है। जैसे ही ट्रेन सुरंग के अंदर से बाहर निकलती है, ट्रेन के अंदर से अंधेरा गायब हो जाता है और बबली कबूतरी की नजर अपनी बहू टुनटुनी के गले पर पड़ती है। अरे टुनटुनी, तेरे गले का हार कहाँ गया? क्या बात कर रही हूँ माँ जी, मेरा हार तो मेरे गले में ही है। जैसे ही टुनटुनी अपना गला देखती है, उसका गला बिल्कुल खाली होता है, जिसके बाद टुनटुनी अपना हार यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उसका हार नजर नहीं आता। ऐसे ही धीरे धीरे वहाँ पर कई पक्षियों के सोने के जेवर गायब हो जाते हैं। सब पक्षी पुलिस स्टेशन जाकर अपनी FIR लिखवाते हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम जल्द से जल्द चोर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा इतना सारा सोना लेकर वहाँ से अपनी गुफा में 9:11 हो जाती है। टूनी टूनी नाम है मेरा, मैं किसी के सामने झुकेगी नहीं। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा इतना सारा सोना और पैसे अपने ऊपर हवा में उछालने लगती है और बहुत खुश होती है। एक रात भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने जंगल की सैर करने के लिए आती है। आइला, आज तो मैं इस जंगल की सैर करके ही रहूंगी, काफी टाइम हो गया है अपने जंगल वालों को देखे बिना, थोड़ी उनकी खैर खबर भी तो लेकर आती हूँ। भूतिया चिड़िया की आत्मा जंगल में पहुंच जाती है। आइला, यहाँ तो चुराने के लिए कितना सारा सामान है, आज तो मैं यहाँ सबका सामान चुराऊंगी, अब शुरू होगी मेरी लूटमार, शैतान देखता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा जंगल में लूटमार करने लगती है, कभी किसी की सब्जियां चुराती तो कभी किसी की दुकान से कपड़े चोरी कर लेती। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को कड़कनाथ सेठ के हाथ में iPhone 13 Pro दिखाई देता है, जिसे देख भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा खुद से बोलती है, क्या बात है, iPhone, और वो भी iPhone 13 Pro, ये तो पूरी किडनी के सम्मान है, आई लव दिस, मजा आ गया। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा तुरंत जाती है और उस कड़कनाथ सेठ का iPhone चुरा लेती है, जिसके बाद कड़कनाथ सेठ अपना iPhone यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। अरे हे भगवान, मेरा iPhone कहाँ गया, अभी तो लिया था और पूरी किडनी के जितने पैसे दिए थे, अरे पूरे के पूरे 1,00,000 रुपए का iPhone था, अरे ढूंढो मेरा iPhone कहाँ गया।
वो कड़कनाथ सेठ तुरंत अपने आईफोन चोरी होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा देता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पुलिस चोर को ढूंढ नहीं पाती, जिसके बाद भूतिया चिड़िया की आत्मा सब पक्षियों को परेशान करने लगती है। अब आया ना मजा, अब इनका सारा पैसा लूट कर यहाँ से चली जाती हूँ। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उनका सारा पैसा लूट लेती है और वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद आगे जाकर उसे कूड़े के ढेर के पास गरीब बच्चे दिखाई देते हैं, जो कूड़े के डस्टबिन में से खाना ढूंढ रहे होते हैं और उसी खाने को खा रहे थे, जिन्हें देख टूनी चिड़िया की आत्मा खुद से कहती है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, इस दुनिया में कितने बेसहारा गरीब बच्चे हैं जिन्हें अच्छी जिंदगी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतने समय से मैंने चोरी की और कभी किसी का भला नहीं किया, लेकिन आज ये देखकर मेरी आंखें भर आई हैं। अब मैं अपना सारा चोरी का पैसा इन गरीब बच्चों की सेवा में लगाऊंगी, आज से यही मेरा मकसद होगा। इतना कहकर भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा तुरंत खाना चोरी करके लाती है और उन बच्चों को दे देती है, जिसके बाद से भूतिया चिड़िया की आत्मा गरीब और बेसहारा बच्चों की मदद करने लगती है।